नमस्कार, शुभ प्रभात, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 20 अप्रैल 2024, दिन है शनिवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। भास्कर वालों का ABC क्विज एक क्विज है जो कि इलेक्शन क्विज है, आओ बने चैंपियन। जो पहले से खेल रहे हैं वो तो एक्सपर्ट हो गए हैं, जो भी नए आए हैं आप सबको बता देता हूँ कि ये QR कोड एक है, इसको हमको स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होके हम जो है नए पेज पर जाते हैं, जहां हम अपनी डिटेल्स भर के और कुछ प्रश्नों के उत्तर दे के प्राइज जीत सकते हैं, जिसमें लकी ड्रॉ से 10 विजेता चुने जाते हैं डेली प्रतिदिन, जिनको 1100 रुपये का अमेज़ोन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, और वो आपको मैसेज या व्हाट्सएप पर कूपन कोड भेज दिया जाता है विनर लिस्ट में नाम आने के, नंबर आने के आपके विद इन 1 वीक भेज दिया जाता है। यदि नहीं मिलता है तो आपको जो है पास के दैनिक भास्कर ऑफिस में जाके अपने प्राइस को क्लेम करना होता है किसी गवर्नमेंट आईडी के साथ में। क्विज की टाइमिंग है शाम को 5 बजे तक, तो 4:59 तक 4:59 तक आपको खेल लेना होता है। तो क्विज खेलेंगे उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ, और क्विज 15 यानी कि जो हमने कल खेला था उसके करेक्ट ऑप्शंस, और जो कल जीते थे करेक्ट आंसर दे के और लकी ड्रॉ में नाम आने के बाद उनके नाम। तो कल पहले वाले का था D, दूसरे वाले का C, तीसरे वाले का D, चौथे का B, पांचवें का A। इसमें कल मेरे 4 करेक्ट थे, 1 गलत था पहले वाले का। और विजेताओं के नाम की बात करें, इसमें हर्षा छत्री जी हैं, 5636, ये मोबाइल के आखिर के 4 अंक होते हैं। सागर से हैं, मध्य प्रदेश से। मोनिका जैन जी हैं, 6034, ये राजखेड़ा से हैं। पूजा मिश्रा जी हैं, 9472, धामनोद से। राहुल वाल्मीकि 5685, अलवर राजस्थान से। रूपेश कुमार 6985, रांची झारखंड से। सचिन मिश्रा 3785, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। स्वर्णिम विशांत शाह 3524, दाहोद से। विक्रम पाटीदार हैं 3097, भोपाल मध्य प्रदेश से। और विनोद विश 4907, रोहतक हरियाणा से। तो ये 10 भाग्यशाली विजेता जिनका लकी ड्रॉ में कल नाम आया था और आज लिस्ट में नाम आ गया है, और ये मोबाइल के 4 अंक के मैच करके आप जो है अपना प्राइस नहीं मिलता है तो क्लेम कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको प्रोसेस बता दी। तो अब जो है क्विज पर चलते हैं और देखते हैं आज के क्या प्रश्न हैं। ये देखिए, इस तरीके का होम पेज खुल के आ जाता है आपके पास में, जिसमें आपको सबसे पहले आपका नाम, आपकी उम्र, आयु जो भी आपके आधार कार्ड पर हो, आपका जेंडर, राज्य चुनेंगे आप अपना, और उस राज्य को चुनने के बाद जो भी शहरों की लिस्ट है वो आ जाएगी, वो यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करके चुन सकते हैं। सेंड OTP तब करना है जब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। OTP 1 मिनट के लिए वैलिड रहता है, और वो आपको एंटर करने के बाद प्रश्न जो है दिखाई देने लगेंगे। तो अब जो है हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने, जिसमें पहला है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। तो इसमें ऑप्शन है आयु के, ए 35 वर्ष, बी 25 साल, सी 30 वर्ष या डी 21 साल। तो ये बी होगा। इसमें भी 2 कंडीशन है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कोई पूछे तो। एक आपने सुना होगा लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा का यदि वो व्यक्ति सदस्य है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर प्रश्न में होता है कि लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष, और यदि यहाँ पर 30 वर्ष जो है वो कब, जब वो राज्यसभा का सदस्य हो। तो इस तरीके से कि यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष से अधिक होने चाहिए, और राज्यसभा का है तो 30 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर न्यूनतम उम्र की बात हो रही है, तो 25 और 30 में न्यूनतम क्या हुआ, मिनिमम क्या हुआ, तो वो हुआ 25, इसलिए यहाँ हमने 25 के ऑप्शन को सिलेक्ट किया। दूसरा है कि निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों की जरूरत होती है, यानी कि जो उनकी तरफ से उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए 10, बी 7, सी 5 या डी 1। तो ये 10 होने चाहिए, तो इसलिए इसमें हम ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। तीसरा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है, ए 35 साल, बी 25 साल, सी 18 साल या डी 30 साल। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो व्यक्ति की 35 वर्ष होती है, तो इसलिए जो है इसमें हम ए के साथ जाएंगे। इस तरीके से ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री के लिए 25 और राष्ट्रपति के लिए 35।
चौथा प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी वाराणसी या डी लद्दाख। तो ये लद्दाख होना चाहिए, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, लेकिन लद्दाख के साथ में हम जाएंगे इसमें चौथे वाले में। और पांचवा अंतिम प्रश्न है कि 2019 के आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? ए 3 राष्ट्रीय पार्टियां, बी 5 राष्ट्रीय पार्टियां, सी 7 राष्ट्रीय पार्टियां या डी 10 राष्ट्रीय पार्टियां। अभी पिछले हमने किसी क्वेश्चन में खेला था कि आप जो है केजरीवाल वाली पार्टी वो अब जो है एक राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो राष्ट्रीय दल हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, बात एक ही होती है। तो इसमें वही पूछा जा रहा है 2019 के आम चुनाव में, तो इसमें जो है 7 राष्ट्रीय पार्टियां होनी चाहिए। और एक बार जो है हम सबमिट करने से पहले आंसर टैली कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। तो इसमें पहला वाला जो है उसका ऑप्शन बी होगा 25 साल, दूसरे वाले का ए होगा 10, तीसरे वाले का भी ए है 35 साल, चौथे वाले का डी लद्दाख, और पांचवें अंतिम प्रश्न का है ऑप्शन सी 7 पार्टियां। आप जो है सबमिट पर टच करके मैं अपने आंसर लॉक कर देता हूं, आप भी करेंगे। आंसर हमारे लॉक हो रहे हैं और अभी साइन आएगा टिक का, मीन्स हमारे आंसर लॉक हो गए हैं। कभी कभी इसमें थोड़ा लेट हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से ये निशान आएगा, मीन्स हमारे आंसर लॉक हो गए। ये करेक्ट आंसर नहीं होते हैं, ये होते हैं कि आपके आंसर जो है लॉक हो गए हैं। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, कूपन कोड आपको मिलेगा जो कि आपको व्हाट्सएप या मैसेज में भेज दिया जाएगा आपके विनर लिस्ट में नाम आने और नंबर आने के विद इन 1 वीक। और यदि नहीं आता है तो आपको फिर दैनिक भास्कर वालों से कॉन्टैक्ट करना है। पूरी प्रोसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। तो इस तरीके से आप क्विज खेल सकते हैं। शाम को 5 बजे तक टाइम रहता है इसका, लेकिन आप 4:59 तक कभी भी खेल के अपने आंसर लॉक कर सकते हैं और अपने लकी ड्रॉ में अपनी जगह बना सकते हैं। बाकी एक और क्विज है जो कि एक क्रिकेट क्विज है, उसमें भी आप बहुत सारे लाखों के प्राइज जीत सकते हैं। उसका वीडियो भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, तब तक ये वाला आप खेलिए और उसके बाद वो खेल लीजिए। बाकी चैनल पर आपको और भी क्विज मिलेंगे जिसको खेल कई सारे कैश प्राइज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप जीत सकते हैं। तो जितने भी क्विज आपको मिल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहे हैं, जिस भी चैनल से, सब खेलिए, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइए। अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा, आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ दिन।